नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं कानपुर में। दोस्तों कानपुर में आप पहले दोस्तों देख सकते हो डैडी चॉइस, जो कि लूडल से रिलेटेड आपको सारी चीजें यहाँ पास मिलने वाली है। लूडल्स के जो मसाले होते हैं, लूडल्स के जो सॉस होते हैं, वो सभी चीजें आपको मिलने वाली है। ये आप दोस्तों देख सकते हो जो लूडल्स के जो पाउच होते हैं, लूडल्स के जितनी भी सॉस होते हैं, वो सारी चीजें आपको इस तरीके से मिलने वाली है। अभी दोस्तों जो डैडी चॉइस के जो ओनर हैं, अभी हम लोग आपको उनसे मिलाने वाले हैं, पूरी जानकारी देंगे कि आप इनके साथ जुड़ करके किस तरीके से बिजनेस शुरू कर सकते हो। ए टू जेड पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। आप इनके साथ डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, किस तरीके से कितना क्या, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में कितना क्या माल लेना है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ के जो डैडी चॉइस के जो ओनर है, उनसे हम लोग बात कर लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अच्छे से बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे FMCG के सेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं, इनकी बिक्री बहुत ज्यादा होती है। आप इनको कहीं भी सेल आउट करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों इनकी जानकारी के लिए हम यहाँ के जो ओनर, उनसे हम लोग बात करने, दोस्तों आइए देखते हैं, हम लोग डैडी चॉइस के जो ओनर, उनसे हम लोग बात करने वाले हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट से जुड़ करके बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों जो डैडी चॉइस के जो ओनर है जितेंद्र भाई, उनसे मिलने वाले हैं। तो भैया, क्या आपकी ये जो कंपनी है, इसमें क्या क्या चीजें मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या क्या चीजें बनता है, बताइए थोड़ा। पिछले 25 साल से आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा उद्देश्य कम से कम रेटों में अच्छी से अच्छी क्वालिटी आपको उपलब्ध कराना। हमने अपना जो लोगो यही रखा हुआ है, अ कमिटमेंट टू क्वालिटी सर्विस एंड टेस्ट विद लव। हम प्यार से आपको सब चीज़ उपलब्ध कराते हैं, जो कि आपके बजट में भी हो और आपकी सेहत के लिए भी हो और आपकी जेब के लिए भी हो। सर, ये काम हमने कानपुर और कानपुर के आसपास केवल होटल, रेस्टोरेंट, इंस्टीट्यूशनल्स में हमने ज़्यादातर इनको प्रोवाइड कराया और इनको संतुष्ट किया। कानपुर में बड़े से बड़ा होटल लैंडमार्क से हो गया, कानपुर क्लब हो गया, या कोई भी बड़ा से बड़ा होटल, यहाँ पे अपनी सप्लाई है। जी, ये नूडल्स हम लोग केवल नूडल्स ही नहीं है, इसके अलावा हमारे पास सॉसेस हैं, पूरी सॉसेस के सेशे हैं, होटल रेस्टोरेंट की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारा पूरा ही जो प्रोडक्ट है वो चाइनीज से संबंधित है, चाइनीज से रिलेटेड आपके पास अपने पास सॉसेस हैं, सॉसेस हैं, नूडल्स हैं, नूडल्स मसाला है, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट्स में हम लोग ने बाजार में प्रोवाइड कर रखा है। तो सर हमको ये बताइए कि अभी आप लोग जैसे कि होटलों में दे रहे थे, तो क्या अब डीलरशिप भी बनाना चाहते हैं? अब मैंने ये 3 साल से, लगभग 3 से 4 साल हुए हैं, हम लोग ने ये डीलरशिप वाला भी काम शुरू किया है, जो पूर्वांचल में, यूपी पूर्वांचल में पूरी तरीके से कारगर है। अब पूरी तरीके से यूपी में मतलब एक अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। जी जी। और ये हमने जो ये क्वालिटी रखी हुई है, ऐसी क्वालिटी है जिस क्वालिटी को आप घर पर खा सकते हो, आप अपने बच्चों को खिला सकते हो। इस प्रकार की कोई क्वालिटी नहीं है कि जो अप्रूव्ड नहीं हो। जी हम जी। पूरी तरीके से FSSAI से अप्रूव्ड हैं जी। और हमारे हम पूरी तरीके से ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं जी जी। हम हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको आप अपने घर पर भी खा सकते हो, अपने गेस्ट को भी खिला सकते हो, और साथ में आप होटल रेस्टोरेंट में बेच कर करके एक अच्छी कमाई कर सकते हो। तो सर आज हम लोग ये जानने वाले, जैसे आपने कहा कि डीलरशिप बन सकते हैं, बना सकते हैं, आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप बना सकते हैं, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस तरीके से वो आपसे जुड़ सकता है, क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी, क्या उसको फॉलो करना पड़ेगा? इसके लिए उनको हमारा डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक फॉर्म भर करके जी, या सीधे हमारे नंबरों पे संपर्क कर करके जी, वो पूरी तरीके से वो उनको बताया जाएगा कि कैसे, किस प्रकार से वो डीलर बन सकते हैं, किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और अपने कमाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास अच्छा रेस्टोरेंट है, होटल है, वो डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं हमसे कि एक बल्क क्वांटिटी में मंगा लिया, हम लोग ट्रांसपोर्ट द्वारा उनको भेज भी देते हैं जी। तो सर हमको थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आपने बताया, मतलब पर्पज आपका ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप में माल देना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे कस्टमर जो जुड़ करके आपके साथ बिजनेस शुरू करेगा, तो मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है, कौन कौन से जितने सारे आपके जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं, थोड़ा सा उनमें आइडिया दीजिए कि किस तरीके से जो आपके प्रोडक्ट है मार्केट से बिल्कुल अलग है,
ये आप बताइए। जैसे कि आप ये हमारा जैसे नूडल्स मसाला आपने फोकस किया, ये नूडल्स मसाला ऐसा नूडल्स मसाला है जो आप जो ऑल पर्पस नूडल्स मसाला है, जो पिज्जा में, चाइनीज बॉल्स में, चाउमीन में, मंचूरियन में, फ्राइड राइस में, मैक्रोनी में, किसी में भी यूज करते हैं। इसके अलावा नॉर्मल आदमी सब्जियों में भी यूज करता है, तो उसको बहुत ही पसंद, बहुत ही अच्छा स्वाद देता है उसको, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है उसको, जो कि उसके लिए और सबसे अच्छी चीज इसमें यह है, ये हार्मफुल नहीं है अपने शरीर के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पास जो मसाले आपको दिख रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको चाउमीन वगैरह में डालेंगे, यहाँ पास आप दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं आप इसको 5-6 चीजों में डाल सकते हैं। तो मतलब ये है कि इनके प्रोडक्ट में काफी ज्यादा दम है और आपको यहाँ पास जुड़ करके बिजनेस करने में कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपको ये जो मसाले वगैरह मिल रहे हैं, जो सॉस वगैरह मिल रहे हैं, आपको पता है कि ये सभी चीजें हर जगह पे सेल होती है। जो ठेले वाले हो गए, जो चाउमीन का ठेला लगाते हैं, तो सभी लोग इस तरीके के प्रोडक्ट सेल करते हैं। भैया हमको ये बताइए, ये जो आपका प्रोडक्ट है काफी बड़ा पाउच है, तो ये किस तरीके से क्या है, मतलब इसका किस तरीके से थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। ये हमारा जैसे नॉर्मल नूडल्स से ये अलग नूडल्स है, ये हक्का नूडल्स है। जी जी, इसको आप हम स्पेशल सिवई करके बेचते हैं। जी जो इसको आप एक सिवई की तरह भी बना सकते हो, आप इसको नूडल्स की तरह भी बना सकते हो। और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर आप इसको चाउमीन में बनाते हो तो इसका टेस्ट एक अलग ही होता है। जी जी जी, ये गलने वाला नहीं है, उबलने के बाद गलने वाला, स्मेल वाला, इसमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी आएगी, जो चाउमीन की क्वालिटी आएगी, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगी। सिवई की जो क्वालिटी आएगी, मोटी सिवई की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी आएगी इसमें। तो सर ये बताइए, जैसे कि ये कितने केजी का पाउच है? ये 900 ग्राम का पाउच है। जी जी, 900 ग्राम का पाउच है जरूर बड़ा दिखने में, क्योंकि ये हक्का नूडल्स है। जी जी, ये पूरी तरीके लच्छेदार है, हाफ बॉयल रहता है। जी जी, जो कि खाने में बड़ा बहुत ही टेस्टी होता है। तो सर थोड़ा सा ये बताइए, जो अपने पास ये सॉस है, ये सॉस कैसे सभी मार्केट से बिल्कुल अलग है, ये किस तरीके से है? देखिए हम लोग जो इसमें सॉस 9 ग्राम की सॉस बेचते हैं, ये हम लोग प्योर केचप में बेचते हैं, जिसका आपको टेस्ट बिल्कुल डिफर मिलता है। किसी बड़ी कंपनी में भी आप किसी से भी कंपैरिजन करेंगे, आपको किसी तरीके से इसमें क्वालिटी में 19 नहीं मिलेगा, जबकि उनके रेट और हमारे रेट में आपको काफी डिफरेंस मिलेगा। जी जी बिल्कुल। तो सर ये बताइए, जैसे कि अगर कोई आपसे जुड़ता है, तो ये जो आपके सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, तो कितने परसेंट तक वो मार्जिन कमा सकता है, थोड़ा सा इसका आइडिया दीजिए। वो 10-15% तक मार्जिन उसमें कमा सकता है। जी जी, कुछ प्रोडक्ट्स में तो 20% तक कमा लेगा। जी जी, और कुछ प्रोडक्ट्स में 8-10% तक का मार्जिन रहता है। जैसे कि आपने ये दिखाया, जैसे कि ये फ्रेश नूडल्स है, तो ये फ्रेश नूडल्स है। ये फ्रेश नूडल्स में क्या है कि ये डे बाई डे ही यूज हो सकता है, आज के दिन का आज ही यूज हो सकता है। इसके लिए हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग सवेरे के समय, रात के पूरी रात हो करके सवेरे सप्लाई के लिए निकलता है। जी, और वो पूरे होटल रेस्टोरेंट्स में देता है, जो कुछ जो डिमांड करते हैं, जिनकी रोज की जितनी खपत है, वो उस हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाता है। पर इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप वगैरह थोड़ा संभव नहीं है, या फिर आस पास के हैं जो इनको हम उनको बाई रोड भेज सकते हैं, कि जो 1-2 दिन में इनका कंजेशन कर सकते हो, या फिर इनके पास डिफ्रीजर हो। जी जी जी, इसमें भी हमारी दो क्वालिटी है, एक बहुत महीन है और एक मीडियम क्वालिटी। मीडियम मतलब साइज में मीडियम। जी जी, और क्वालिटी हर किसी की अपनी पसंद होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो कई लोगों को बहुत महीन पसंद आती है, कई लोगों को मीडियम पसंद आती है। तो जैसे सर मैं आपके पास ये मसाले देख रहा हूँ, तो ये मसाले किस तरीके से यूज होते हैं, इनमें क्या मार्जिन होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ये मसाले नहीं है, इसमें मसाले ये कॉर्न फ्लोर है। जी जी, जो सूप बनाने के काम में आता है। ओके ओके जी, हाँ, ये सर्दियों में ज्यादा बिकता है। बाकी इसके अलावा जैसे मंचूरियन है या चिली पनीर है, इसको थिक करने के लिए हम इसका कॉर्नफ्लोर का यूज करते हैं। इसकी भी एक अपनी अलग ही क्वालिटी है। जी जी। इसके अलावा जैसे ये कस्टर्ड पाउडर है, ये मोस्टली आइसक्रीम के लिए, या फिर कस्टर्ड पाउडर को, एक कस्टर्ड भी बनता है जो दूध और कस्टर्ड मिला कर करके एक वनीला फ्लेवर में है। ये जी जी जी। ये वनीला फ्लेवर और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वगैरह में हमारे पास उपलब्ध है। और ये क्या है सर? ये नूडल्स मसाला है। ये नूडल्स मसाला जैसे इसमें हमारे ये 5 रुपए के इकोनॉमी पैकिंग में है। इसके अलावा ये 50 ग्राम का है। जी जी। ये 50 ग्राम में है।
जो थोड़ा सा क्वांटिटी में हो जाता है और इसका रेट थोड़ा सा और रीजनेबल हो जाता है। ओके ओके। तो सर जैसे ये अपने लड़ी वाले जो दिख रहे हैं, जो काफी ज्यादा किराना की दुकानों में मैंने देखा है इस तरीके के ज्यादा सेल होते हैं, तो ये किराना की दुकानों में सेल होता है और ये कहाँ कहाँ सेल हो सकता है? ये मोस्टली किराना वाली दुकानों में ही सेल होता है जी जी। ये टमाटो केचप और चिली सॉस है जो कि बहुत पसंद करी जाती है। आजकल बच्चे भी अपने टिफिन में ले जाते हैं, स्कूल वगैरह में कोई चीज ले गए जो अपने खाने के साथ में या चाइनीज आइटम के साथ में अपना ले गए तो अपना वो मतलब शौक से खाते हैं। ये हार्मफुल नहीं है जी जी। ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं पूरी तरीके से वेजिटेरियन और पूरी तरीके से खाने योग्य हैं। सर ये क्या है सर? ये ऑर्गेनो सीजनिंग है जो मोस्टली यूज होती है पिज्जा के ऊपर या फिर पास्ता बनाए तो उसके लिए भी इस्तेमाल होती है ऑर्गेनो सीजनिंग, जो उसके टेस्ट को बहुत इनहेंस कर देती है। ये सीजनिंग हमारी बहुत ही चलती है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं सर, ये जो नूडल्स हैं, ये नूडल्स हमारा एक नॉर्मल नूडल्स है जी। इसमें भी हमारी दो क्वालिटी है, एक इसको हम मीडियम और इसको एक महीन क्वालिटी, इसमें दो क्वालिटीज में उपलब्ध है हमारा। ये 650 ग्राम की पैकिंग में है जो कि बहुत ही रीजनेबल पड़ता है। इसके अलावा इसको बनाने के बाद ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो दोस्तों देख सकते हो भैया के पास आपको ये जो नूडल्स के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, पाउच हो गए और आपको जितने भी इसके मसाले होते हैं सभी चीजें मिल जाती हैं। आप ये देख सकते हैं एक ये नूडल्स जो है हमारा एक नूडल्स है, ये हक्का का एक स्पेशल क्वालिटी नूडल्स है जी जी। इसके अंदर हम लोग मसाला भी डालते हैं, ये 5 रुपए वाला मसाला जी जी। इस नूडल्स में आपको एक अलग ही टेस्ट मिलेगा जो अगर आप नूडल्स के साथ में नूडल्स मसाला डालते हैं तो आपको 4 चांद लग जाएंगे उसकी प्रिपरेशन में और आपके टेस्ट में, उसको टेस्ट ऐसा होगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो सर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पास आपके कुछ सॉस की जो बोतल भी लगी हुई है, तो ये कैसे किस रीजनेबल प्राइस में आती है, किस तरीके से आप इनको सेल आउट करते हैं? ये हमारी टोमेटो सॉस 1 किलो की पैकिंग में है जी जी। और इसको हमने स्नैक सॉस नाम दिया हुआ है जी जी। इसकी भी अपना एक अलग ही टेस्ट है जी जी। और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में हमने बाजार में उपलब्ध करी हुई है। ये दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो क्वालिटी है काफी अच्छी मिलने वाली है। ये देख सकते हैं चिली सॉस जो है ये भी 1 किलो की पैकिंग में है। इसके अलावा ये घरेलू यूज के लिए हमने 200 ग्राम की पैकिंग रखी हुई है जी। ये चिली सॉस, टमाटो सॉस और सोया सॉस, विनेगर जो कि मोस्टली चाइनीज आइटम्स में ज्यादा यूज की जाती है। इसके अलावा जैसे होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों के लिए ये हमारे पास ये 5 किलो के में भी उपलब्ध है। ये विनेगर हो गया, ये सोया सॉस हो गया, ये जैसे अपनी टमाटो सॉस हो गई जिसकी एक अपनी ही अलग ही क्वालिटी है, जो ऐसी क्वालिटी जिसको आप अपने परिवार के साथ बना भी सकते हो, खा भी सकते हो जी। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पास पर्पज ये है, आपको पूरे प्रोडक्ट की जो है जानकारी भैया ने दे दी है। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि अगर आप इनके साथ जुड़ करके बिजनेस करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे और कितना पैसा कमाया जा सकता है और कहाँ सेल आउट किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो सर ये बताइए, जैसे कोई इसका डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रोडक्ट का लेता है तो उसको क्या उसकी कंडीशन होंगी, कितने रुपए दे करके कितना लगा करके वो आपसे जुड़ सकता है? देखिए हमारे प्रोडक्ट को अगर वो उसके लेना चाहता है या उसका डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहता है तो पहली प्राथमिकता तो ये होगी कि उसके एरिया में हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। अगर उनके एरिया में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है तो हम दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाते। और अगर और आप अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो जी, तो इसमें हम आपसे आपको बिल्कुल इकोनॉमिक रेट पे देते हैं जो कि आप बाजार में बहुत आसानी से बेच सकते हो और इसके इसके इसमें 10-15% तक का मार्जिन कमा सकते हो। सर एक बार थोड़ा ये आइडिया दे दीजिए, किसको कस्टमर कहाँ कहाँ सेल कर सकता है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहता है तो किस तरीके से उसको सेल आउट कर सकता है? इसको आप छोटी दुकानों में, दुकानों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट में, फास्ट फूड वगैरह जो बने हुए हैं उनमें, कहीं पर भी आप इनको सेल आउट कर सकते हो। और इसमें जैसे हमारे ये सैशे हैं, ये सैशे भी होटल, रेस्टोरेंट में, मोस्टली होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड वगैरह में चाउमीन के साथ में देते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध रहते हैं आपके पास।
और इसके अलावा जैसे जो चीज जो डिमांड करता है आपका कस्टमर चाइनीज में हम पूरी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे सर ने आपको पूरी जानकारी दी है दोस्तों, तो अब ये हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से कहाँ भैया का एड्रेस कहाँ होने वाला है ये भी जान लेते हैं। तो सर जैसे आपसे कानपुर कोई आता है तो किस तरीके से वो आपसे जुड़ सकता है, कहाँ उसको आना पड़ेगा, एड्रेस थोड़ा जानकारी दे दीजिए। हमने नीचे अपने नंबर दिए हुए हैं इसमें जी जी, जो कि आप उनसे संपर्क कर सकते आ सकते हो। बाकी जब आप स्टेशन पे आते हो घंटाघर चौराहे पे उतरते हो जी जी, तो पास में ही एक्सप्रेस रोड में अपना ऑफिस बना हुआ है, डैडीज चॉइस का ऑफिस बना हुआ है, शनिदेव मंदिर के भूसा टोली वाला शनिदेव मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है। आप चाहो तो आप वहां पे आ करके अपने प्रोडक्ट देख सकते हो, उसके अलावा उसकी उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी ले सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा आप अपनी दुकान के लिए ले जाना चाहते हो तो आप वहां से ले जा सकते हो, जो कि हम बाद में चाहेंगे तो आप ट्रांसपोर्ट से भेज देंगे, या फिर आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हो तो हम उसमें भी उस। आप सारे प्रोडक्ट की जानकारी देना ऐसे तो संभव नहीं है जी, जी, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो कि नीचे चल रहे हैं जी, जी, इन पे आप अपनी डिटेल्स फर्म की डिटेल्स वगैरह दे करके आप इस जिस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर पूरे प्रोडक्ट की पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, जिस जिले से आप संबंधित हैं आप उसके बारे में जानकारी दीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के द्वारा उपलब्ध करा दूँगा। तो यहाँ से आप जुड़ना चाहते हैं तो जैसे भैया ने बताया जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। जल्दी से दोस्तों आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आप जल्दी से इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप भैया ने बताया कि एक जिले में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होने वाला है। तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपके जिले में नहीं है तो आप इसको पता कर सकते हो, वहां से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको कैसे बनना है और आप इनसे मिल करके आप अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।